मैनपुरी में बीती देर शाम शासन के निर्देश पर एक विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें हूटर, प्रेशर, हॉर्न और रंगीन लाइटों पर कार्रवाई की गई। आइए आपको भी दिखाते हैं। शासन के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने निर्देशन में मैनपुरी पुलिस द्वारा जनपद के समस्त थानों के महत्वपूर्ण स्थानों पर विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत विशेष रूप से जिन वाहनों में हूटर, सायरन, प्रेशर हॉर्न एवं काली फिल्म का प्रयोग किया गया, उन वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उतरवाया गया। साथ ही चालान भी किया गया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें करहल क्षेत्र की दिखा रहे हैं। करहल क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार सिंह की मौजूदगी में विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाते हुए यहां वाहनों पर कार्रवाई किए जाने का काम किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वहीं आप दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यह तस्वीरें भोगांव क्षेत्र की तस्वीरें हैं। यहां भोगांव क्षेत्राधिकारी सुनील कुमार की मौजूदगी में भी विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया है। यहाँ भी वाटर, प्रेशर, हॉर्न और रंगीन लाइटों पर विशेष रूप से कार्रवाई की गई। पूरे जनपद में चलाए गए इस विशेष वाहन चेकिंग अभियान पर चार पहिया वाहनों में से 56 हूटर और सायरन उतरवाए गए। 16 चार पहिया वाहनों पर काली फिल्म उतराने का काम किया गया। जिन दो पहिया वाहन और चार पहिया वाहनों पर पुलिस का सिंबल लगा हुआ था या पुलिस लिखा हुआ था, ऐसे 15 वाहनों के चालान काटे गए। साथ ही उत्तर प्रदेश व भारत सरकार लिखे हुए 16 वाहनों के चालान भी काटे गए हैं। जनपद में चलाई गई इस विशेष अभियान पूरे जनपद में खलबली मची दिखाई दी।